आका की रहमत हमें हासिल हो सके तो एक दो मर्तबा कोशिश करें जरा अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अहबाब ज़िवकार, 5 सितंबर बरोज मंगल एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्ती मियां हाकिम नज़्द दरबार बाबा नादर वली जिला विहाड़ी में इनकाद पजीर ये महफिल पाक 7वीं सालाना महफिल पाक हर साल बड़े खूबसूरत अंदाज से आज के मदीना इंतहाई खलूस व मोहब्बत के पैकर मोहताज तारुफ नहीं आपके इस इलाका की नात के हवाला से महफिल के हवाला से जाने जाने वाली शख्सियत जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद आबिद हुसैन रहमानी साहेब और जनाब मोहतरम अल्लाह रखा रहमानी साहेब और दीगर इनके रुफका जो हर साल आका करीम की पाक बज़म का एहतमाम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत दारैन की इज्जतें अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। इस वक्त स्टेज की जीनत कारी कुर्रा फख्र कुर्रा नजम कुर्रा मोहताज तारुफ नहीं आपके इलाका का खूबसूरत नाम कारी मजर हुसैन लंगड़ियाल साहेब, मैं समीम कल्ब से खुशामदीद कहता हूँ और खुसूसन हमारे दिलों की धड़कन खूबसूरत आवाज अजीम बाप के अजीम बेटे मोहताज तारुफ नहीं जिनकी जिंदगी हुजूर की नात में गुजरी है उसी खानदान का एक खूबसूरत चश्मो चराग जनाब मोहतरम ये शागिर्द भी हैं और बेटे भी हैं किबला कारी शफकत रसूल मेहरवी रहमतुल्लाह ताला आपके शागिर्द भी हैं और आपके बेटे भी हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद हसनैन शफकत मेहरवी। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और जितने भी दोस्त अहबाब दूर नजदीक से तशरीफ लाए मालिक सबका आना अपने नबी के इस जिक्र में अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। तो हाजरीन गिरामी कदर चूंकि मेला चल रहा है उर्स चल रहा है दाता अली हजवेरी का तो मैं अपनी बात भी दाता अली हजवेरी से शुरू कर देता हूँ। लामा मोहम्मद इकबाल के घर में एक नौकर था, आप सुभानअल्लाह कहेंगे तो मुझे समझ आएगी कि आपको समझ आ रही है। लामा मोहम्मद इकबाल के घर में एक नौकर था, सुभानअल्लाह आप कहेंगे बुलंद आवाज में कहेंगे या अल्लाह जो दोनों हाथ बुलंद करके सुभानअल्लाह कहे इसी साल मदीना पाक की मोहर लग जाए और आपके इस इलाका का खूबसूरत नाम जिनकी विसादत से आज महफिल पाक में हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद जवेदुल हसन तोसवी साहिब। यकीनन आपने हुक्म दिया बंदा ना चीज अपना वादा वफा करते हुए आप अहबाब के चेहरों की जियारत के लिए पहुंचा। अब तवज्जो रहे, लामा मोहम्मद इकबाल के घर में एक नौकर था। लामा इकबाल फरमाते मैंने एक दिन बर्तन धो के दिया, बर्तन धो के दिया अपने मुलाजिम को, कहा जाओ मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं उनके लिए लस्सी लेके आओ। तवज्जो है, कहा मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं उनके लिए लस्सी लेके आओ और वक्त रात के 12 बजे के बाद का। आप बताओ कि रात के 12 बजे के बाद लस्सी मिलती है नहीं मिलती। इकबाल ने अपने मुलाजिम से कहा बर्तन धो के दिया, मुलाजिम कहते मैंने बर्तन पकड़ा मेरे जहन में यह ख्याल चल रहा था कि रात के 12 बजे के बाद लस्सी मिलेगी कहां से। कहते मैंने लस्सी वाला बर्तन पकड़ा गली की नुक्कर पे गया, मैंने जिंदगी में कभी भी पहले वो खोखा नहीं देखा
वहां एक खोखा बना है और खोखे वाला बाबा लस्सी बना रहा है। मैंने पहले कभी वो खोखा नहीं देखा, एक खोखा बना है, खोखे वाला बाबा लस्सी बना रहा है। मैंने कहा बाबा मुझे लस्सी दो, बाबे ने मुझे लस्सी दी। मैंने कहा बाबा पैसे बोल। अब नादर शाह वली के करीब बैठ के जिस बंदे की आवाज ना निकली दुख लगेगा। बाबे ने कहा लस्सी लो और जाओ, इकबाल से हमारा खाता चलता है। किबला आपकी तवज्जो, कहा लस्सी लो और चलते बसो, इकबाल से हमारा खाता चलता है। कहते मैं आया, आके मैंने लस्सी, जैसे ही मैंने लस्सी इकबाल को पेश की, इकबाल ने दो गिलास लस्सी के मेहमान को पिलाए। एक गिलास लस्सी का मेहमान ने इकबाल को पिलाया। मैंने कहा देखें कि ये मेहमान रात रुकता है कि वापस जाता है। अरे ये रात रुकेगा कि वापस जाएगा। अभी इतनी बात हुई, इकबाल ने आवाज दे के कहा कि आओ इस मेहमान को रुखसत करें। तवज्जो है, कहा कि मैं इस इंतजार में था कि पता चले कि ये मेहमान रात रुकता है कि वापस चला जाता है। इतनी देर में इकबाल ने आवाज दी, कहा आओ ये जो मेहमान आए थे लस्सी पीने के लिए इसको अलविदा करें। कहते बस मैं अलविदा करने के लिए लामा मोहम्मद इकबाल के साथ दरवाजे तक पहुंचा तो फिर मैंने क्या देखा, जो मेहमान आया था उसका एक कदम डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल के दरवाजे पे था और दूसरा कदम नजर नहीं आया। मैंने पूछा इकबाल के कदम पकड़ के कि बताइए ना ये मामला क्या है। अब आपके हाथ नीचे नहीं, जो दाता के लंगर में पला है जरूर बोले। अरे कहा बताइए ये मामला क्या है। कहा जो लस्सी बना रहा था वो कोई और नहीं, वो लाहौर का दाता दाता अली हजवेरी था। अरे जो लस्सी पीने आया था वो हिंद का राजा राजा गरीब नवाज थे। मिल के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार गूंज पड़ जाए, कोई हाथ नीचे नहीं, हर बंदा हाथ उठाए और मिल के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल फरमाते हैं खुदी का सिर निहा, खुदी का सिर निहाला, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फिसा, खुदी है तेग फिसा, ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल ने अपने बेटे जावेद को खत लिखा, कहा बेटा तैयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, अगरचे बुद्ध है, अगरचे बुद्ध है जमात पियास दीनों में, अगरचे बुद्ध है, अगरचे बुद्ध है जमात पियास दीनों में।
है हुक्म अज़ा, मर्द है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मिलके कहिए किया है तूने, किया है तूने, बताए बताए गरूर का सौदा, किया है तूने, ला इलाहा, कोई हाथ नीचे नहीं, एक मर्तबा मिलके गूंज पड़ जाए, मिलके कहिए अगरचे बुत है, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आओ मैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पीर आप फरमाते हैं शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, अरे शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन बना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना, ला इलाहा अस्त हुसैन, हुसैन पाक से, हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है, हुसैन पाक से, हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा, कटा के कहा, आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं कह रहे, अरे तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खबीर में, कभी पूछ अपने समीर से, जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन है, हुसैन पाक से, हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है, हुसैन हुसैन पाक से पूछा के कुछ बचा भी है, तो सर कटा के कहा, कटा के कहा, हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अयाना होती, खुदा के घर में अजाना होती, बशर के चेहरे पे जंग होता, फसाने गम के सुनाता फिरता, भार जुल्मत उठाता फिरता, इमदाद न करते हुसैन तो ये इस्लाम ठोकरें खाता फिरता। सुभान अल्लाह कहेंगे और बुलंद आवाज से कहिए, मिलके कहिए जरा सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह,
अहबाब तिलावत कलाम इलाही से महफिल पाक का बाकायदा आगाज हुआ चाहते हैं। मेरी मुराद कारी कुर्रा फख्र कुर्रा नजम कुर्रा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद मजहर हुसैन लंगड़ियाल साहब, आप तशरीफ लाते हैं तिलावत कलाम इलाही से हमारे कुलूब को रोशन और मुनव्वर करने की सआदत हासिल करें और अहबाब हमारे दरमियान महफिल पाक की सरपरस्ती साहिबजादा मियां मोहम्मद असलम जी गद्दीनशीन दरबार बाबा हाकिम अली साहब, आप स्टेज पे तशरीफ फरमा हो चुके, मैं समय में कल्ब से खुश आमदीद कहता हूँ। अहलन वसहलन मरहबा, मैं मुल्तमिस हूँ किबला कारी मोहम्मद मजर हुसैन लंगड़ियाल साहिब तिलावत कलाम पाक से हमारे कुलूब अजहान को रोशन और मुअत्तर करने की सआदत हासिल करते।